नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम पासपोर्ट फ़ोटो अपने मोबाइल से कैसे बनाएंगे दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल से पासपोर्ट फ़ोटो दो तीन या छः या जितने चाहें उतने अपने ए फोर पेज में बना सकते हैं और अपने चाहे केबल वाला आपके पास प्रिंटर हो चाहे वाईफाई प्रिंटर हो आप दोनों प्रिंटर से इसे प्रिंट कर सकते हैं तो क्या करना है आपको सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं एक एप्लीकेशन ऐप पे जिससे कि आपको सबसे पहले अपना जो ब्राउज़र है उसे ओपन करना है और यहां पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है प्ले स्टोर में आपको यहां पर टाइप करना है पी ए डबल एस पासपोर्ट फोटो मेकर पासपोर्ट फोटो मेकर आप करेंगे और सर्च करेंगे आप दोस्तों आपको सबसे पहले ऊपर देखने को मिल जाता है देखिए यहाँ पर आपको आना है आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा पासपोर्ट फोटो मेकर वी आई एस ए आई डी तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों इस ऐप को मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से आपको अपने ऐप को ओपन करना है उसके बाद आपको न्यू फ़ोटो फो, पर क्लिक करना है अब जैसे आप न्यू फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत से आपको यहाँ पर कंट्री देखने को मिल जाएंगी तो आपको यहाँ पर अपनी कंट्री मान लीजिए इंडिया हमारी कंट्री जो है वो इंडिया है तो हम यहाँ पर आई एंड डी आइए इंडिया को सर्च कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो कंट्री है वो आ जाती है अब आप दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है इंडिया पासपोर्ट आपको इंडिया पासपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इमेज जो रेलू आ, रेजुलेशन है वो तीन सौ ही रहने देना है और ओके कर लेना है आप जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोटो कैसे खींचना है दिखाया गया है उसके बाद दोस्तों अगर आपका अगर आप अपना फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर देखिए कैमरा मिल जाता है यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो जो हमारा है वो यहाँ पर आ चुका है अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है वो हमारे मोबाइल पर पहले से ऑलरेडी ही खींच लिया है हमने तो उसे हमें कैसे यहाँ पर लाना है तो आपको गैलरी पर क्लिक करना है अब दोस्तों जैसे ही आप गैलरी पर क्लिक करेंगे आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे मिलेगा स्टार्ट एडिटिंग आपको स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करना है अब यहाँ पर एक ऐड आएगा इस ऐड को आपको स्किप करना होगा स्किप करने के लिए नीचे आपको क्लोज दिया हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अब आप, आप देखेंगे आपका जो फ़ोटो है अगर कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर से इसका तिरछा है तो उसे आप यहाँ पर इस प्रकार से सीधा कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्रॉप करने के लिए कहा जाता है आप जितना भी चाहे फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं उसके बाद क्रॉप पर आपको क्लिक करना है अब आप आपका फोटो यहाँ पर आ चुका है अब देखिए नीचे आपको देखिए मिल जाता है आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से फ़ोटो का जो कलर है वो यहाँ पर दे सकते हैं और इसे सेट कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ सेट करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट बटन मिल जाता है आपको फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है अब जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे कि आपका जो फ़ोटो है वो इस प्रकार से आपके सामने देखने को मिल जाता है अब आपको क्या करना है सेव सेव पर आपको क्लिक करना है सेव पर क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड चेंज करना तो इसका बैकग्राउंड भी आप चेक कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर सेव करके स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड को रिमूव नहीं करना है तो मैं इसकी पर क्लिक करता हूँ अब जैसे आप इसकी पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे कि यहाँ को एक मिल जाता है एड एंड आउटलाइन तो आपको एड एंड आउटलाइन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आउटलाइन है आपको देखने को मिल जाएगी आप जैसे चाहें कलर में अपनी आउटलाइन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ आउटलाइन को सेट कर दिया है और यहाँ पर सेव कर दिया है अब देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है नेम तो आप चाहें यहाँ पर अपना नाम यानी कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं नेम डाल सकते हैं जिस नेम से आप अपना फ़ोटो सेव करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको नीचे बटन मिलेगा सेव बटन का आपको सेव बटन पर क्लिक करना है अब जैसे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने एक ऐड आ जाएगा इसको आपको यहाँ से जो है कैंसिल करना है अब देखिए हमारा फोटो है कम्प्लीटली ही यहाँ पर बन चुका है अब नीचे की तरफ आप देखेंगे प्रिंट मल्टीपल कॉपीज प्रिंट मल्टीपल मल्टीपल कॉपीज़ पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे अब आप आपको यहाँ पर अपने प्रिंटर का साइज़ को सिलेक्ट करना है तो हमारा जो प्रिंटर है वो फोर साइज़ का पेज लेता है तो हमें ए फोर साइज़ को सेलेक्ट करना है अब जैसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से फ़ोटो आ गए हैं मतलब जितने भी फ़ोटो हम यहाँ पर लेना चाहते हैं बनाना चाहते हैं उतने फ़ोटो हम यहाँ पर बना सकते हैं मान लीजिए हमें आ, सारे फ़ोटो नहीं बनाने हैं कम फ़ोटो बनाने हैं तो नीचे आपको देखिए माइनस और प्लस का आइकन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर जैसे जैसे माइनस करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर फ़ोटो जो है वो कम होते चले जाएंगे आप चाहते हैं कि तीन फ़ोटो बनाना आप चाहते हैं छः फ़ोटो बनाना उस हिसाब से आप अपना फ़ोटो यहाँ पर बना सकते हैं अगर आप छः बनाना चाहते हैं तो छः बना सकते हैं अगर आप तीन फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगर आप गैप करना चाहते हैं देखिए फ़ोटो में अगर आप गैप करना चाहते हैं तो यहाँ पर गैप भी कर सकते हैं छोटा बड़ा कर सकते हैं उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सेट कर लेंगे यानी हमारा जो एफ पेज है यहाँ पर सेट हो चुका है अब आप आपको सेव बटन पर क्लिक करना है आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने फ़ोटो का नाम दे सकते हैं तो यहाँ पर मैं चलिए जे में इस फ़ोटो को सेव करूँगा क्योंकि अब हमारी बारी आती है इसे प्रिंट करने की जेपी पर हम सेट कर लेते हैं और सेफ फोटो पर क्लिक कर देते हैं अब देखिए हमारा जो फोटो है यहाँ पर आ चुका है अब हमें यहाँ पर फिनिश बटन पर क्लिक करना है जैसे हम फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद तो चलिए हम जाते हैं यानी हमारा जो फ़ोटो है वो सेव हो चुका है अब हमें अपना प्रिंटर ओपन करना है और वहाँ से हमें इस फोटो को प्रिंट कर लेना है तो मैं इस फोटो को आपको ए फोर में जो मैंने सेव किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो ए फोर में हमने जो फ़ोटो को सेट किया है वो फ़ोटो हमारे सामने आ चुका है तो दोस्तों अगर आप का जो भी प्रिंटर है चाहे आप वाईफाई प्रिंट चला रहे हैं चाहे आप केबल लगा कर के प्रिंट चला रहे हैं जिससे चाहे उसे इस फोटो को प्रिंट कर सकते हैं अपने ए -फोर पेज में तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हमें तीन चार या छः जितने भी फोटो चाहें अपने मोबाइल से बना सकते हैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार